बरनाला के थाना सिटी एक की पुलिस पार्टी ने 28 पेटी हरियाणा शराब सहित दो महिला व एक नौजवान व्यक्ति को काबू किया है। वहीं इनसे तीन स्कूटी बरामद हुई हैं, जबकि एक आरोपी भागने में सफल हो गया। इस संबंधी जानकारी देते हुए थाना सिटी एक के SHO इंस्पेक्टर रुपिंदर पाल सिंह ने बताया कि थानेदार कमलजीत सिंह की पुलिस पार्टी द्वारा नेहरू चौक में नाकाबंदी की हुई थी। इसी दौरान लक्की कॉलोनी में पुलिस पार्टी सहित छापेमारी की गई तो वीरभद्र उर्फ कालू, सीमा और मंजीत कौर के घर से 28 पेटी हरियाणा देसी ठेका शराब बरामद हुई, जिसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ थाना सिटी एक्साइज एक्ट के अधीन मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं इनका एक साथी आरोपी सतनाम सिंह भागने में सफल हो गया, जिसको काबू करने के लिए पुलिस पार्टी द्वारा छापेमारी की जा रही है, जिसे जल्द काबू कर लिया जाएगा। इस मौके पर थाना सिटी के मुख्य थानेदार रंजीत सिंह सहित कई पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। बरनाला से हलचल के लिए अरिहंत गर्ग की रिपोर्ट। ये शराब जी लक्की कलोनी जो बरामद हुई है, साड़ी SI कमलजीत सिंह उन्होंने नेहरू चौंक नाका लाया हुआ सी, उन्होंने मुकबरे खास ने इतलाह दी है, तो उस तो बाद कार्रवाई की गई है जी। ये तीन गिरफ्तारियां हुई ने, दो लेडीज़ ने, एक जेंट्स है, एक सीमा कौर मनजीत कौर, उक्त मुकदमा हजार में गिरफ्तार करके इन्हों के कोलों पुछगिछ की जा रही है, जो कि 28 डब्बे शराब के बरामद हुए हैं। हाँ, मनजीत कौर तो परचा है जी, पहला ये जी शराब की सप्लाई इतों अपने हरियाणे तो बंदे दे के जाते सी, इन्हों इतें आके इन्हों शराब सप्लाई करते तो गांह या लोगों गांह डब्बों के हिसाब न बेचते तो सप्लाई करते सर। इन्हों पर मुकदमा दर्ज किया गया जी, मुकदमा दर्ज करके अज रिमांड लिया इन्हों का 3 दिन का जी, बाकी की पुछगिछ जारी है, पुछगिछ बाकी उस तो बाद जो भी अगे होएगा तो तुम इतलाह की।